मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट के पहले जो इंडिविजुअलिटी थी वो हमारी ज्यादा थी हमारी लाइफ में. इंटरनेट के बाद ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है कि हम सब चीज को ग्लोबली देखते हैं कितना, लेकिन हमारी पर्सनल स्टोरीज में कमी आ गई. मुझे ऐसा लगता है इधर यू आर एन एक्टर और यू आर नॉट. एन एक्टर कैन बी ट्रेन्ड नॉट फॉर्म्ड. बट लड़की आपके साथ जा रही है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज में एक रेयरिटी है. मतलब डायनासोर देख सकता है लेकिन लड़की देखना मुश्किल है वहां पे. भाई मैं कॉलेज से निकाल दिया गया था. मतलब मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पहले गया हूँ. कहाँ कहाँ से निकाला, फिर मैंने पढ़ाई करी, फिर मैं डीसी के अंदर गया. क्यों? क्योंकि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में हॉस्टल से निकाल दिया. और मैं शायद इकलौता स्टूडेंट होगा जिसको हॉस्टल से निकाला. बट आप कैसे थे पढ़ने में? कैसे थे? मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था. यही तो मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ ना पहले. डीसी में ऐसे नहीं जाते. मतलब ऑल इंडिया रैंकर था. ऑल इंडिया रैंकर मतलब किसी भी चीज का एग्जाम हो अच्छा ही स्टूडेंट हो रहा हूँ. तो खैर, लेकिन एक बार जब आप वैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में, पहले आप क्लास में थे तो आप फर्स्ट आते थे. अभी सब फर्स्ट आने वाले थे क्लास में, तो उसमें फर्स्ट आने में बहुत मेहनत लगती है भाई. सच बोल रहा हूँ. तुम लोग मानते हो मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ? सब बोलते हैं हाँ मानते हैं. मैंने कहा बस इससे तो मुझे चाहिए भी नहीं. और किसी ने बोला कि भैया तुम डांस वांस करो ना, ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. मैंने बोला कहाँ करे? तो बोला मैं जाता हूँ शामक में. बोला बहुत सही होता है यार, आ जाओ. मैंने कहा ठीक है. मैं भाई वहाँ शामक में गया हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में. मुझमें कुछ तो अच्छा डांस करता हूँ या ज्यादा डांस करता हूँ जो भी है. शामक ने बोला भाई तू आ जा, तेरे को हमारे साथ डांस करता है. तो उनके ग्रुप में चला गया और मैं इकलौता डीसी का ऐसा स्टूडेंट हूँ जो सेकेंड सेमेस्टर में प्रीति जिंटा ऐश्वर्या राय के साथ डांस कर रहा है. मतलब ये बात सोची भी नहीं जा सकती है. आपको समझ आ रहा है? सोची सपनों में आ जाए वहां पर बगावत. तूने ये शॉर्टकट ऐसे नहीं, वीडियो गेम में चीट कोड्स होते हैं जो पता नहीं होते. ये कहां से खेल गया तुम्हें? पांचवा स्टेज निकल गया. तो बाकी सारे सोच रहे हैं कि भैया कहां जाए, एसआरसीसी जाए या क्या कहते हैं एलएसआर जाए. और मैं डांस कर रहा हूँ. अब ठीक है मैं बैकग्राउंड डांस कर रहा हूँ, डांस तो कर रहा हूँ ये तो सच बात है. तो मेरी बहुत रिस्पेक्ट थी मेरे कॉलेज में. मैंने कहा इस रिस्पेक्ट का मैं क्या करूँ एक साल के बाद. मैंने कहा थिएटर करते हैं, थिएटर उसमें थोड़ी ज्यादा रिस्पेक्ट आती है. तो मैं मैरिज के पास गया था थिएटर करने के लिए. और मैंने इंजीनियर की आदत होती है किताब से शुरू करते थे. मैंने एक ऐसा तीन किताब खरीदी स्टैनिस लेविस की. मैंने कहा ये तो सही लिखा होगा इसमें. रशियन वाले झूठ कम लिखते. ये पता था मैं क्योंकि मैं फिजिक्स में इरोडोव सॉल्व करता था. एक भी सॉल्व नहीं होती थी, कांड किताब थी. तो मैं पढ़ रहा हूँ और उसमें लिखा हुआ है इधर यू आर एन एक्टर और यू आर नॉट. एन एक्टर कैन बी ट्रेन्ड नॉट फॉर्म्ड. मैंने कहा ये कैसे पता चलेगा ये एक्टर हो कि नहीं. तो मैं बैरी जॉन के पास गया. अच्छा, बैरी जॉन सर की अजीब आदत, आपको सामने परफॉर्म करा रहे हैं और अपनी डायरी में कुछ लिखते रहे, कभी नहीं बताएंगे क्या लिख रहे हैं. बोला सर मेरे बारे में लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ. मतलब हमने डिप्लोमा करना चाहते हैं सर. नोट्स आप बना रहे हो? किसी को कभी नहीं. और मैंने कहा कि अच्छा ऐसा एक दिन होता होगा जब पूरा डायरी खुलता होगा. कभी नहीं हुआ. सर्टिफिकेट वाला दिन आ गया. मैंने कहा यार अब कैसे पता चलेगा कि मैं एक्टर था भी नहीं. तो मेरे जितने भी छिछोरे दोस्त थे अच्छी एक्टिंग करते थे, उन सबको आया सी. और मैंने बोला कि भगवान बी दे दे, बी दे दे, बी दे दे. इन लोग की तो मतलब जल जल के मतलब भाई ए. ओ मैंने बोला गलती से लिखा हुआ है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं मिसप्रिंट हो गया. मुझे लगा कि किसी को ये देना चाहते होंगे, मैं नहीं होऊंगा वो. ये थोड़ी हो सकता है. तो मैंने बोला सर तो बोलते हैं ये या यू शुड टेक इट सीरियसली. मैंने बोला गुड मॉर्निंग सर. बोला मेक इट अ गुड मॉर्निंग. मैंने कहा भाई ये बातें मुझे समझ में आ रही. लेकिन सर वो दिन था जब मैंने बहुत सीरियसली एक्टिंग को लिया. ऑल दिस व्हाइल जब आप डांस पे चले गए, एक्टिंग में चले गए, पेरेंट्स वाले ऑल कूल. मेरे को पता ही नहीं ना भाई, मैं हॉस्टलर हूँ ना. तो जब तीसरे साल मुझे पासपोर्ट का जरूरत था तो मेरे डैड पूछा बेटा कौन सा ओलंपियड जा रहा है, कौन सा फिजिक्स ओलंपियड. मैंने नहीं नहीं कॉमनवेल्थ गेम्स है, ऐश्वर्या राय के साथ डांस कर रहा हूँ. है हाँ मैं शामक के साथ. तो आपने दो साल कुछ बताया ही नहीं. नहीं पक्की जरूरत ही नहीं है ना भाई. वो भी है घर से पैसे आ रहे हैं एडमिशन में. घर से डीसी में बच्चा तो पैसे तो आएंगे थोड़े से. डीसी में पैसे आ रहे. और मैं इतना कमी ना कि मैं फर्स्ट ईयर में ट्वेल्थ के बच्चों को पढ़ाता था IIT और AI ट्रिपल एम्स के लिए. तो उसमें बहुत अच्छा 2004 में 500 रुपए घंटा. बहुत व्हाट 500 रुपए घंटा ऐसे चार बच्चे. और एक ही दिन में नहीं पढ़ाता था, हफ्ते में पढ़ाता था. मतलब एक घंटा चलेगा उसी में चाय वाय मिल रहा. मतलब 2004 में 25,000 रुपए मैं कमाता था भाई. सोच और स्टूडेंट ही थे. और उसके अलावा डांस भी कर रहे थे प्रीति जिंटा ऐश्वर्या राय. उससे अलग आ जाता मैं 10-15,000 वहां से. पर इतना कम नहीं आता. हाँ समझ रहे 2004 में जिस पेरेंट्स को पता नहीं कि मेरा बेटा इतना मेरा वो 50,000 कमा रहा हूँ. पापा वो गाड़ी में पोस्ट बने उसके गृह प्रवेश के लिए आपको लोग बोल रहे हैं मुझे भाई मेरी प्लेसमेंट लग गई. मैंने कहा कितने की? इतने की. मैंने कहा एक साल से कमा रहा हूँ.